रहस्यमय ब्रिज जहाँ से कूदकर कुत्ते करते हैं आत्महत्या। क्या आपने कभी कुत्ते को आत्महत्या करते देखा है? नहीं ना, बल्कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुत्ता भी आत्महत्या कर सकता है। लेकिन हम आपको एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ कई सारे कुत्ते आत्महत्या कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दरअसल स्कॉटलैंड में डनबर्टन के पास मिल्टन नाम के एक गाँव में एक पुल है जिसे लोग मौत का पुल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पिछले 160 सालों से कुत्तों की आत्महत्या की रहस्यमय घटनाएं हो रही है। इस ब्रिज का नाम ओवरटाउन ब्रिज है जिसे 1895 में बनाकर तैयार किया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है और जहां से अब तक लगभग 600 कुत्ते ने कूदकर अपनी जान दे दी। सबसे आश्चर्य बात यह है कि कुत्ते कूदने के बाद भी जिंदा थे, लेकिन उन्हें जैसे ही मौका मिला वे दोबारा उसी जगह से कूद गए। हैरानी की बात यह है कि लोगों का ये कहना है कि लगभग सभी कुत्ते ब्रिज के एक ही स्थान पर चढ़कर छलांग लगाते हैं। इस रहस्यमय जगह की कई बार जांच करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इस घटनाओं की सच्चाई का पता नहीं चल पाया। तो अब सवाल ये है कि कुत्तों की आत्महत्या की वजह क्या हो सकती है? वैसे तो इस रहस्य के पीछे के कारण की पुख्ती जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जानते होंगे कि कुत्ते में सूंघने और ऐसी चीजों को देख पाने की एक विलक्षण शक्ति होती है जो हम आम इंसानों में नहीं होती। शायद इसी वजह से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुत्ते किसी ऐसी चीजों को देखते या सूंघते हैं जो उन्हें अपनी ओर इतना आकर्षित करते हैं कि वे ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा पाते और कूद जाते हैं, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। जांच में ये पाया गया है कि धूप के समय और खुले मौसम में ऐसी घटनाएं ज्यादातर होती है, क्योंकि ऐसे मौसम में वहाँ फैलने वाली खुशबू ज्यादा तेजी से होती है। कुत्तों के अलावा वहाँ पर कुछ इंसानों ने भी आत्महत्या की है। लोग इस स्थान को भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जी से भी जोड़कर देखते हैं।